आप पूछ भी सकते हैं, बच्चे बताएंगे सर आप लोगों को। मैं रखो जैसा आप उसका प्रदर्शन करते हैं कल्चर प्रोग्राम के जैसे 180 डिग्री से बड़े और 370 डिग्री से छोटे कोण को बेहतर कौन कहते हैं, जैसे 210, 250, 300, 340, 350, 359, ठीक है। आज मैं आपको योग का गुणन का विषय बताऊंगी। एक आयत है इसमें 10 खाने ऐसे हैं और 15 खाने बनने लगता है, 10 गुणा 15 बराबर 150 होता है, नहीं बढ़ता है। इसमें 150 है। अब हम इस आयत को दो भागों में बांट देंगे, एक ये और दूसरा ये। इसमें ये आयत है इसमें 10 खाने ऐसे हैं, 10 गुणा 5 बराबर 50 होता है, इसमें कुल खाने 50 है। और ये एक वर्ग है इसमें 10 खाने ऐसे हैं और 10 नल के पानी 10 गुणा 10 बराबर 100 होता है, इसमें कुल खाने 100 है। अब हम आयत की परिभाषा बता सकते हैं, कुछ जोड़ देंगे आयत किसे कहते हैं? अच्छा शुद्ध जल का बता, शुद्ध जल का त्रिभुज के तीनों कोणों को काट लेंगे, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 काटने के बाद त्रिभुज आपको ऐसे दिखेगा, हम तीनों टुकड़ों को ऐसे जोड़ देंगे, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, ठीक है बढ़िया, कोण नंबर 3। आपको ये चादर लेना दिखेगा तो 180 डिग्री का कोण होगा। ये तीनों कितने का हो गया? सर 180 बादल जो बन रहे हैं, ये जो पानी आ रहा है, से भाप बनी है, ज़्यादा बरसता है कम पानी, जैसे आप लोग कह रहे हो ना कटार में कम है कम बरसता है, तो ज़्यादा कहाँ बरसता है? अल्मोड़ा में ज़्यादा बरसते हैं क्या कटार में? ऐसा लगता है आपको ज़्यादा बरसता है? तो मैं कहीं ज़्यादा पानी बरसता है मतलब, सोचो क्या कारण है? क्या करना चाह रहे हो? कोयला डाल के इसको क्या करना चाह रहे हो? लास्ट मंथ कैसा चल रहेगा? हाँ
हो पड़े हाँ पड़े हम गौर नाम रोशन करे हाँ तो हो तुम्हें गौर नाम
मुझे नीर भी कहते हैं। मेरा एक नाम तो भी है और मुझे एक्वा भी कहते हैं। मैं H2O हूँ और मुझे वाटर भी कहते हैं और मुझे पाए भी कहते हैं और मेरा एक नाम वारी भी है और मुझे जीवन कहते हैं। हाँ हाँ जीवन धरती का बहुमूल्य रत्न है पानी। पानी के बिना कुछ संभव नहीं है। हाँ हाँ कुछ संभव नहीं है। ये धरती के पानी मुझे बर्बाद मत करो। हाँ हाँ मत करो। मुझे दूषित मत करो। हाँ हाँ मत करो। सुनो वृक्ष लगाओ तभी हरियाली पाओगे। तभी वर्षा होगी। तभी हवा बनेगी। तभी ओले बरसेंगे। तभी बर्फ गिरेगी। तभी आग बनेगी। तभी पाला जमेगा। तभी झील बनेगी। तभी और तभी समुद्र बनेगा। तभी धरती बचेगा। तभी धरती बचेगी। तभी हे मनुष्य तुम भी बचो। तभी हे मनुष्य तुम भी बचोगे। पानी का संकट कटारमल का जोर से हम तपता आकाश ध्वस्त कटारमल पलपल गहराता पानी का संकट प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निवास होने के कारण मेरे गांव में सबसे बड़ा संकट पानी का संकट है जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लोगों ने खेती करनी छोड़ दी है। कभी कभी हमें भी पानी के कारण स्कूल से छुट्टी देनी पड़ती है क्योंकि हमारे गांव में नलों द्वारा पानी नहीं आता है। हमें पानी के लिए धारा जाना पड़ता है जिससे हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है और हम थक भी जाते हैं। हमें और अभी तक हमारे गांव में वर्षा भी नहीं हुई है जिससे पानी के स्रोत भी नहीं फूटे हैं और धारे का पानी भी कम होने लगा है। इसलिए इस गर्मी में तो हमें नहाने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है जबकि हमारे गांव के नीचे कोसी नदी बहती है। काश कोई योजना ऐसी होती जिससे कोसी का पानी हमारे गांव में आ जाता और ये पानी का संकट दूर हो जाता। सबसे दुखी हमारे बच्चे पानी से बदन दर्द और स्कूल से छुट्टी लेने भी पड़ती है। रोए भी है बच्चे पता निकले में बहुत परेशान है। हमसे भी डांट खाते हैं नहीं आते करके स्कूल ना पानी देर से आने वाले में पानी को रूप से जो किया जाता है ये संपन्न हो रहा है और आपकी उपस्थिति से इसमें चार चांद लगे और हमें पूरी आशा है पूरी उम्मीद है कि आपको ये बच्चों का कार्य हमारे पसंद आया होगा। और मेरा निवेदन भी है आपसे कि अगर इसमें किसी प्रकार की कमी या फिर कोई अच्छे सुझाव आपके द्वारा हो तो आपका स्वागत है। धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी। इस ग्राम सभा की प्रधान महोदय तो हमारे सभी साथीगण विद्यालय की हेड टीचर हमारे बच्चों के अभिभावक सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैडम ने एक अवसर दिया कि हम आप लोग के बीच आ सकें तो तभी हम आ पाए हैं। ये कार्यक्रम बच्चों द्वारा अत्यधिक सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अभिभावक एवं प्यारे बच्चे सर्वप्रथम मैं विद्यालय को बधाई देना चाहता हूँ और एक अच्छा सा कार्यक्रम यहाँ पर रखा ज्ञान बाल शोध कार्यक्रम के रूप में आपने अच्छा सा पूरा बच्चों के द्वारा कराया। इसके लिए सभी पूरा स्टाफ आप इसके लिए बधाई देगा। ठीक है बच्चों आज आपने सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर बच्चों को आगे आने का मौका मिला। देखिए कोई भी प्रोग्राम का संचालन होता है अमूमन देखा जाता है कि स्टाफ उसका संचालन करते हैं।
यहाँ पर बच्चों के द्वारा कुछ संचालन किया गया, बच्चों ने उसको हिंदी में भी उसका ट्रांसलेट, अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में उसका उसका संबोधन किया। उसी के साथ आपके जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम थे उसमें एक शिक्षा प्रद थी, आपने पानी पानी विषय पर आज हमारा ये शो चल रहा था तीन दिन, तो पानी आपने एक अच्छा सा नाटक प्रस्तुत किया था यहाँ पर, आपने पानी के बारे में बताया, उसके बाद पानी में क्या क्या चीजें हो सकती, वास्तु क्या चीज है, ओला क्या चीज है, बर्फ क्या चीज है, ओस किसे कहते हैं, उसके माध्यम से आप ये चीजों की जानकारी दी। उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी उसमें समायोजन किया आपने कि कैसे पानी को वाटर कहते हैं, उसके साथ साथ आपने उसमें हिंदी का भी निरीक्षण किया, उसमें एक पर्यायवाची शब्द बच्चों को दी हुई चीज विज्ञान और सोशल साइंस और साथ साथ हिंदी का विषय का उसको समझ लिया। तो ये जो कि अच्छा सा ये खेल खेलने से जुड़ी हुई क्रिया होती है, बच्चों का चाहना कहें कि आप पर्यायवाची याद तो नहीं कर सकते, तो इस खेल खेल में बच्चों को ये कम से कम ये सब पता चला कि पानी के क्या पर्यायवाची, पानी के ये वास्तविक क्या चीज है, ओस क्या है, ओले कैसे बनते हैं, तो इस चीज का आपने इसमें समाज का, तो इसके लिए मैं आपके स्टाफ को तो बहुत बहुत बधाई देना ही चाहता हूँ कि इस ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चे सीखने की प्रक्रिया मतलब अच्छी होती है। हमारा नंदिन आज सरकारी स्कूल में अपने थी, यह स्कूल में सब आगे का सब नंदिना का अपन डालो, हमको यह सरकारी स्कूल है जो हमको सब बढ़िया लगा, और हाइकल का जो लोग नंदना का शिक्षा जो मिलना है यहाँ पर ये सही छू सब तीर हमको अपन नंदना का हाइकल का जब हम सरकारी स्कूल में डाले हर शिक्षा मिलना है भर कुछ हाइकल का अपन नंदना का सब यह स्कूल में डालिया और सब ये प्रस्तुतियाँ आप लोग के इसमें मजे लेना, आपकी मुस्कुराहट, आपकी मेहनत सब दिखती है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें तो सर ने बताई कि हमें कैसे पानी का संरक्षण कर सकते हैं और पेड़ों का उसमें क्या महत्व है, तो मुझे तो बस इतना ही कहना था कि बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को आपने यहाँ वेलकम किया, आपका निमंत्रण हमें लिखा हुआ मिला था और भी सुंदर था, तो उसके लिए भी धन्यवाद, और बाकी ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और साथ में थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी है तो अच्छा रहेगा, और बाकी बहुत प्रासंगिक है कि जिस तरह का आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है जिस तरह की पानी के बारे में आप लोग बातें बता रहे, तो उस पर खूब बातें करनी करती रहनी चाहिए, करते रहेंगे जब भी मुलाकात होगी, है ना। Oh,